हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की वैकेंसी है। इसमें मैं बता दूं कि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सेम सारा कुछ है, लेकिन कुछ जानकारी है जो आपको वीडियो देखने पे पता चलेगी। सबसे पहली चीज कि ये जो वैकेंसी है इसमें दो तीन पोस्ट है। एक तो गेस्ट लेक्चरर का पोस्ट है, दूसरा गेस्ट इंस्ट्रक्टर का पोस्ट है, तीसरा लाइब्रेरियन का पोस्ट। उसके अलावा भी केमिस्ट्री के लिए भी पोस्ट है और फिजिक्स के लिए भी पोस्ट है, ठीक है, वो अलग से है। अब इसका क्या है कि इसका लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो हमको कहाँ से डाउनलोड करना है और उसमें क्या क्या भरना है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है आपको। अगर आप इस वीडियो में जो भी एडवर्टीजमेंट है, जो भी पद है, उसके लिए एलिजिबल अगर मान लीजिए नहीं भी हैं, तो आप उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भोजपुर में आया है, जो कि अभी पटना के गुलजार बाग में ही चल रहा है, ठीक है। तो समझिए कि आपको पटना में ही जॉब करना है एक तरीके से। तो सारी जानकारी हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि ये राजकीय पॉलिटेक्निक भोजपुर है, जो जगदीशपुर आरा भोजपुर इसका एड्रेस है। इसका यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, वेबसाइट दिया हुआ है, जो कि अभी फिलहाल राजकीय पॉलिटेक्निक गुलजारबाग पटना 7 में चल रहा है, ठीक है। अब देखिए, जो ये अतिथि व्याख्याता यानी लेक्चरर, व्याख्याता को इंग्लिश में बोलते हैं लेक्चरर, इसमें विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस, इस चार पोस्ट के लिए उनको लेक्चरर चाहिए। और गेस्ट इंस्ट्रक्टर भी चाहिए इसी चार पोस्ट के लिए, मतलब कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। ये आपको जो इस ये वेबसाइट दिया हुआ है gpbhojpur, ठीक है, gpbhojpur.org.in, इस पे आपको और भी चीजें इस पे मिल जाएंगी, ठीक है। अब जो आवेदन पत्र है इसी वेबसाइट पे मिलेगा। अब देखिए कि अगर ये वेबसाइट आपको मतलब ओपन नहीं हो रहा है और आपको क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं लिंक डालूंगा। उस लिंक पे आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे और वो आपको डायरेक्ट आपको वो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और वहां से आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं। अब उसमें कि जो फॉर्म है, उस फॉर्म को आपको भर के क्या करना है कि दो पासपोर्ट साइज का फोटो, यानी कि पहला आपको क्या करना है, दो फोटो आपको चाहिए पासपोर्ट साइज का, ठीक है। दूसरा कि जो भी आपका मार्कशीट है, मतलब मैट्रिक से लेके बीटेक तक का या एमटेक आप जो भी कर चुके हैं, ठीक है, उसके साथ आपको उसका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो भी आपको लगाना होगा। और जो भी आपके पास कुछ अगर एक्सपीरियंस है, किसी चीज का एक्सपीरियंस है, तो वो भी आपको चाहिए होगा। ये सारा चीज आपको जेरोक्स लेके जाना है, जेरोक्स, और उसपे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, सेल्फ अटेस्टेड, खुद से स्व प्रमाणित करना है। यहाँ पे अंक पत्र, शैक्षणिक और अनुभव संबंधी छाया प्रतियां के साथ। अब ये सारा डॉक्यूमेंट प्लस फॉर्म, यानी कि ये इतना सारा डॉक्यूमेंट करके आपको स्पीड पोस्ट करना है। और स्पीड पोस्ट किस पते पे करना है, तो आपको स्पीड पोस्ट करना है इस पते पे, प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक भोजपुर, अस्थायी परिसर राजकीय पॉलिटेक्निक गुलजारबाग पटना 7। ये पूरा आपको करना है, ये पूरा लिखना होगा आपको टू ऐसे करके, ठीक है, फॉर्म में आपका अपना। अब ये जो आपको इस हिसाब से फॉर्म भर के भेजना है कि ये 7 सितंबर 2022 तक वहां पे पहुंच जाए, ठीक है। अब आवेदन कर जो 7/9/2022 को पहुंच जाएगा, उसके बाद उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मतलब आपके मार्क्स के हिसाब से, और वो आपको ईमेल या आपका जो मोबाइल नंबर दिया हुआ होगा फॉर्म में, उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि भैया आपका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए सारा जितना भी चीज आप लगाए हैं जेरोक्स, वो सारा ओरिजिनल लेके आपको वहां पे जाना होगा और फिर आपका वहां पे इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये नियम और शर्तें हो गई, क्या करना है, कैसे भेजना है, ये सारी बातें हो गई, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हुआ तो फिर से वीडियो को बैक करके देख लेंगे। अब इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं, कितने पैसे मिलेंगे और किसके लिए क्या योग्यता है, इसको हम देखते हैं। देखिए, अब आइए यहाँ पे हम लोग आ गए पद एवं शाखा में। अब देखिए, अतिथि व्याख्याता एक नंबर में, ये लेक्चरर के लिए है। इसमें आपका सिविल है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है। इसके लिए आपके पास बीई या बीटेक होना चाहिए फर्स्ट क्लास, ठीक है। इसके लिए आपको 1400 रुपया पर क्लास आपको दिया जाएगा, यानी महीने में आपको मैक्सिमम 45,000 रुपया दिया जा सकता है, मैक्सिमम 45,000 रुपया।
अब आइए इंस्ट्रक्टर का। इंस्ट्रक्टर में भी वही चार है, असैनिक यानी कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस। इसके लिए बोलता है कि आपके पास आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए प्रथम श्रेणी से, और प्लस 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर ये है तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आईटीआई वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा कि अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको 800 रुपया पर क्लास मिलेगा, यानी महीने में आप 25,000 मैक्सिमम कमा सकते हैं, मतलब आपकी सैलरी होगी। तीसरा पोस्ट है लाइब्रेरियन का, इसमें आपको लाइब्रेरी साइंस से आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी जिसको बीलिस बोलते हैं हम लोग, ठीक है, होना चाहिए। इसके लिए 25,000 रुपये आपको हर महीने मिलेगी, ठीक है, इसमें कोई पर क्लास के हिसाब से नहीं है। अब चौथा है आपका अंग्रेजी एवं रसायन विज्ञान, यानी कि इंग्लिश और केमिस्ट्री के लिए चाहिए आपको, ठीक है। इसके लिए आपको जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में आपका या रसायन विज्ञान का BA MA होना चाहिए या BSc MSc होना चाहिए फर्स्ट क्लास। इसके लिए भी आपको 1400 रुपया पर क्लास मिलेगा, 45,000 रुपया इसमें भी आपको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो अतिथि व्याख्याता की योग्यता है वो AICTE नई दिल्ली के मापदंड के अनुसार होगा। दूसरा चीज की आरक्षण का नियम जो है, जो नियम है आरक्षण का, उसके हिसाब से नियम का पालन किया जाएगा। इसमें कितना सीट है ये सब क्लियर नहीं किया गया है। अच्छा, साक्षात्कार की सूचना जो है आपको या रद्द करने का अधिकार जो है वो उनके पास है, वो चाहे तो रद्द भी कर सकते हैं और इसको आगे भी कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें यहाँ पे दी जा रही है कि अगर आपका कार्य जो है असंतोषजनक यानी अनसेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है तो आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। और इस अस्थायी व्यवस्था के तहत के आधार पर कभी भी सेवा का विस्तारीकरण, यानी कि आपको कभी भी इसमें बढ़ाया नहीं जाएगा या आपको रेगुलर नहीं किया जाएगा, ये पहले यहाँ पे क्लियर कर दिया गया 5 नंबर कॉलम में, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर आपको कार्य अनुमति आवश्यकता एवं मानदेय आधारित होगा एवं विभागीय आवंटन प्राप्त होने पर मानदेय का भुगतान होगा, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको जब तक विभाग से पैसा आएगा तभी आपको सैलरी मिलेगा, जैसे सबको मिलता है, जरूरी आपको हर महीने मिले ही, इस तरीके की चीज यहाँ पे लिख दी गई है। उसके बाद विभागीय पत्रांक यहाँ पे 586 दिनांक 24 के द्वारा निर्देशित अतिथि व्याख्याताओं, अतिथि तकनीकी सहायक, इन सब की सेतु सेवानिवृत्ति या पूर्व से किसी सरकारी संस्था में कार्य करने का अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब ये जितनी भी पोस्ट देख रहे हैं, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट अप्लाई करता है जो रिटायर्ड हो चुके हैं या जिनके पास किसी सरकारी संस्था में काम करने का अनुभव है तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। और जो आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे उसके लिए आपको कोई भी खर्चा नहीं दिया जाएगा आने जाने का। तो ये सारी बातें निकल के आई, ठीक है। ये आपका टोटल एप्लीकेशन जो नोटिस है वो हो गया। अब एप्लीकेशन फॉर्म को देख लीजिए, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस तरीके का आपको डाउनलोड करने को मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आप इसके वेबसाइट पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन यहाँ पे ये है, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप पहले लिख लीजिएगा, गेस्ट लेक्चरर या गेस्ट इंस्ट्रक्टर या लाइब्रेरियन या इंग्लिश केमिस्ट्री जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोटो चिपकाना है, नाम है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, यहाँ पे कैटेगरी भी पूछा गया किस कैटेगरी से आते हैं और किस ब्रांच के हैं, इतना डाटा हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आप मैट्रिक में कितना परसेंटेज आया, ISC में या ITI डिप्लोमा किए हैं कि नहीं। अगर जिन्होंने डायरेक्ट BTEC किया, ITI नहीं किया, वो यहाँ पे कुछ नहीं भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे BTEC का है, फिर MTEC है, PhD है, अगर कोई टीचिंग इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो वो आपको बताना होगा किस पोजीशन पे, तो वो सारा चीज। एक्स्ट्रा अगर करिकुलर कोई एक्टिविटी है तो वो बता सकते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर करके। यहाँ पे लिख दिया गया है कि एप्लीकेंट मस्ट अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट विद एप्लीकेशन फॉर्म। और उसको भेजना कहाँ है वो एड्रेस मैं एक बार और फिर से आपको दिखा देता हूँ। वो आपको भेजना है, देख लीजिए यहाँ पे, इस एड्रेस पे आपको भेजना है, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये एड्रेस दिया हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस एड्रेस पे 7 सितंबर तक पहुंच जाना चाहिए, तो ये एड्रेस है, ठीक है। बाकी और भी जानकारी आप उसके वेबसाइट पे देख सकते हैं और जो वेबसाइट मैंने बताया वहां भी मिल जाएगा। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसका जो फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप जो वीडियो देख रहे हैं देखें, इसको पूरा समझें क्या प्रक्रिया है, और अगर आपके इस योग्यता के हिसाब से नहीं है तो दूसरे लोगों तक पहुँचाएं जिनके लिए ये, जिनके जो इस योग्यता में काबिल हैं, जो एलिजिबल हैं उनके लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।